तो मैं कुछ मजेदार हॉरर वीडियोस ढूंढ रहा था जिनको हम साथ में बैठ के देख सके, एंड मैं चला गया अपने फेवरेट हॉरर एनिमेशन चैनल पे खूनी मंडे, एंड मुझे वहां पे दिखी एक 2 साल पुरानी वीडियो जो की थी निश्चय भैया उर्फ ट्रिगर्ड इंसान की। तो यस, मैंने सोचा आज इसे ही देखते हैं। एंड द थिंग इज, टाइटल में लिखा हुआ है सच्ची हॉरर कहानी, तो दिस माइट बी बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, एंड वो देखने में मजा आने वाला है। सो यस एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर रिएक्शन वीडियो। एंड मैंने लाइट दोबारा से बंद नहीं की, मैं भूल गया, एक सेकंड रुकना यार, मैं हर बार क्यों भूल जाता हूँ। ऑल राइट, अब माहौल इज सेट, एंड विद दैट सेड लेट्स गो। राइम करवाना चाह रहा था, मैं हुआ नहीं। ऑल राइट, क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हाय गाइस, दिस इज ट्रिगर्ड इंसान, एंड आज मैं आया हूँ आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर खूनी मंडे पे टू टेल अ वेरी स्केरी स्टोरी। लेट्स गो। एंड मैं ये स्टोरी बहुत सीरियसली सुनाने वाला हूँ, एटलीस्ट आई विल ट्राई। ये किस, ही इज मी, मी इज ही। ठीक है भाई, चलो बहुत स्केरी होने वाले गाइस, प्लीज बकल अप। ये किस्सा निश्चय के साथ तब हुआ था जब वो क्लास 11th में पढ़ रहे थे। सर आपकी आवाज, तो चलिए सुनते हैं निश्चय की ट्रिगर्ड हॉरर कहानी। ओह, उन्हीं की जुबानी। स्कूल की वो रात, स्कूल की वो रात, ये तब की बात है जब मैं 11th क्लास में था। मेरा एक बेस्ट वाला फ्रेंड था उस टाइम, उसका नाम था दिवेश। तो दिवेश काफी पढ़ाकू टाइप का था और टीचर्स पर उसका इम्प्रेशन भी काफी सही था। साथ ही दिवेश हाउस प्रीफेक्ट भी था। वही मेरा भी एक दोस्त है दिवेश, बट वो बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाकू नहीं है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है वो। दिवेश नाम को खराब कर रखा है उसने। मजाक कर रहा हूँ, मेरी वीडियोस देखता है वो, मारेगा बिल्कुल। क्या मतलब, मैं उसे मारता हूँ? प्रीफेक्ट जो बच्चों को असेंबली के टाइम लाइन में लगवाते हैं और कॉरिडोर खाली कराते हैं, हाँ वही। एक दिन स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन हो रहा था और शाम का टाइम था, मौसम एकदम ऐसा ना बारिश वाला था। हम ऊपर अपनी क्लास 11th ए में बैठ के चिल कर रहे थे और उतनी देर में अचानक से बारिश शुरू हो गई। अरे भाई साहब, खतरनाक बारिश। तो बात करते करते में देवेश स्पूकी सी बातें करने लगा। हम एक्चुअली स्कूल के एक्टिविटी रूम का मजाक उड़ा रहे थे जिसके बारे में पूरे स्कूल में रूमर्स थे कि वो हॉन्टेड है। मैं और देवेश अपनी मस्ती में एक्टिविटी रूम वाले कॉरिडोर में चले गए और भूत वगैरह की आवाजें निकालने लगे। What? क्या? Might be fun, but इससे क्या किक मिली? भाई एक तो जैसा मौसम बता रहे हो आप, this is not the brightest idea to do. I don't know. मैं और देवेश अपनी मस्ती में एक्टिविटी रूम वाले कॉरिडोर में चले गए और भूत वगैरह की आवाजें निकालने लगे। मेरे को पीछे की बात नहीं पसंद आ रही है। देवेश एक्टिविटी रूम की तरफ पीट करके खड़ा था जब मुझे लगा जैसे उस एक्टिविटी रूम के दरवाजे पर किसी ने अंदर से नॉक किया है। मैंने देवेश को यह बताया तो वो मेरा मजाक उड़ाने लग गया। तभी मुझे एकदम से फील हुआ कि मेरे पीछे से कोई फ्लैश की तरह निकला। मैंने और देवेश ने जितनी देर में नजर घुमाई, भाई रुको यार, ये साउंड इफेक्ट्स, लेट मी बी प्रिपेयर प्लीज। लेकिन यार ये प्रॉब्लम बड़ी फेस करनी पड़ती है अगर तुम ज्यादा मजाकिया हो ना ग्रुप के, मतलब वो इंसान जो ज्यादा मजाक करता है, तो जब तुम्हें एक्चुअली बताना होगा ना कुछ, तुम्हें कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। एंड दिस हर्ट्स। उतनी देर में कोई एक्टिविटी रूम के अंदर घुस रहा था। अब हमें उसकी शक्ल तो नहीं दिखी पर वो जो भी था बहुत पेल सा था, एकदम शैडोई सा। अब मैं और देवेश एकदम शांत से हो गए, हमने एक लुक शेयर किया और फिर उस दरवाजे की तरफ थोड़ा आगे गए। सच्ची बोलूं तो अब भी मेरे को हल्का हल्का सा डर लगने लगा था। थोड़ा आगे जाते ही हमको एक अजीब सी आवाज आई। क्यों जा रहे हो? तब देवेश भी थोड़ा सा डर गया। दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, शायद वो एक्टिविटी रूम सालों से नहीं खुला था। हमने हिम्मत करके नॉक किया, आवाज भी लगाई, नो, पर कुछ हुआ नहीं, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। द फैक्ट दैट एक ऐसा रूम हर स्कूल में होता है इज क्रेजी, लाइक नॉट गोना लाई। मैं जब अपना स्कूल चेंज करके गया था नए स्कूल में, काफी बड़ा स्कूल था वो, हम ऐसे ही 3 दोस्त रैंडमली घूम रहे थे पढ़ने जाते हैं, घूमने जाते हैं स्कूल में, कैसे बता रहा हूँ मैं, मतलब यार फ्री पीरियड चल रहा था तो हाँ। तो यार हम बेसमेंट में गए थे एंड देयर वाज अ रूम जो हम मतलब झांक के देखने का ट्राई कर रहे थे, उसके अंदर शायद बास्केटबॉल वगैरह या मतलब स्पोर्ट्स का सामान पड़ा होगा, हमें ऐसा लगा। बट या फिर साइड में टीचर ने बोल दिया, हे बेटा व्हाट आर यू डूइंग, नॉटी हो रहा है। फिर हमने कुछ नहीं किया, हम चले गए। आई थिंक मैम हमारा एक छोटू सा दोस्त था, हम उसे ही ढूंढ रहे थे। पर कुछ हुआ नहीं, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। देवेश ने मुझे बोला कि रूम के सामने 8th क्लास है, उसकी खिड़की से देख, शायद दिख जाए अंदर कौन है। तो मैं और देवेश उस क्लास में गए और उसकी खिड़की से एक्टिविटी रूम के अंदर झांकने की कोशिश करने लगे। अब इस पॉइंट पे ना बारिश काफी तेज हो गई थी और अंधेरा सा भी हो गया था, जिसकी वजह से मुझे कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक से बिजली कड़की और मेरी तो भाई दिल ऐसा ना दिल दहल गया मेरा। रूम में पंखे से एक बच्चा लटका हुआ था। This was the
the least expected thing. Like what? What? अचानक से कहाँ टर्न लेगी ये स्टोरी? Okay, I don't wanna rewind, मैं यहीं से रिएक्ट करूँगा। उसकी ऐसे आंखें बाहर आ रखी थी, उसकी बॉडी नीली पड़ी हुई थी और उसका मुंह मेरी तरफ था। मैं लिटरली इतनी जोर से चिल्लाने लगा और देवेश को ऐसा भाई पकड़ लिया मैंने। देवेश को कुछ नहीं दिखा लेकिन मेरी हालत देख के उसकी भी हालत खराब हो गई। हमने डिसाइड किया कि नीचे जाके किसी टीचर को बताते हैं। तो हम अपनी क्लास टीचर को लेके एक्चुअली एक चीज बताऊं तुम्हें, द क्रेजी पार्ट इज कि ऐसे मौसमों में ना ऐसे हेलुसिनेशंस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पक्का हेलुसिनेशन ही होगा या घोस्ट ही होगा, पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा, बट ऐसे थोड़े डार्क नेगेटिव से वाइब में और मौसम में ऐसा होता है, कोई बिलीव नहीं करता वो अलग बात है। एंड मेरे जैसे चिकन हार्ट वालों का तो और होता है यार। मेरे को दुनिया में किसी चीज से डर नहीं लगता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बस भूतों से डर लगता है यार। मतलब मेरे को भूत से भी नहीं डर लगता, वो जो अचानक से झटका है ना, मेरे को कुछ पता भी नहीं है और सामने अचानक से कोई आ जाए, उस चीज से डर लगता है। हाँ यस, और अकेलेपन से और तन्हाई से। वेंट आउट नहीं करना था भिक्षु, कम ऑन। ओके लेट्स गो। एक्टिविटी रूम के पास गए और उसका ताला खुलवाया। जब मैम ने दरवाजा खोला तो अंदर नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैम ने हमें इतनी गंदी लुक दी, उनको लगा हम उनके साथ मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें डांट दिया और उसके नीचे चली गई। अब उस कमरे की नॉर्मल सी हालत देखकर तो हमारे थैंक यू सो मच भाई यार। ठीक है चुपचाप देखो, हंसो मत। अरे ऐसे ना होश उड़े पड़े थे, हम जाने ही लगे थे कि एक्टिविटी रूम का दरवाजा ऐसा फट करके एकदम से बंद हुआ। शायद हवा हवा की वजह से हो सकता है पर हमारी फट चुकी थी और हम इतनी तेज वहां से भाग के निकले। इसके बाद 3-4 दिन तक तो देवेश स्कूल नहीं आया एंड मैं भी इतना डरा पड़ा था, पर मम्मी जबरदस्ती स्कूल भेजती थी। आज भी मैं वो दिन याद करता हूँ ना तो ऐसा कांप जाता हूँ, पर समझ ही नहीं आता कि उस दिन हमारे साथ जो भी हुआ था वो था क्या, कौन बच्चा था वो जो लटका हुआ था, और सबसे बड़ी चीज कि मैंने सच में कुछ देखा भी था या फिर सिर्फ मेरा वहम था। हो सकता है, पता नहीं। व्हाट डू यू गाइस थिंक? दिस वाज क्रेजी कि आई डोंट नो इस चीज से कितने लोग रिलेट करेंगे, बट या मेरे को भी ना पर्सनली ऐसे जब नेगेटिव माहौल हो जाता है ना, दैट्स व्हाई मेरे को बारिश ना इतनी पसंद नहीं है। मतलब ग्रे माहौल ना मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, और तुम मेरे से लाइट बंद करवा के हॉरर चीजों पे रिएक्ट करवाते हो। ओके आई फाउंड अनदर वन एंड लेट्स सी इसमें क्या है। तो ये बात है आज से 5 साल पहले की, जब मैं और मेरी फैमिली वेकेशंस के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे। उस वक्त मैं आई थिंक सेकेंड ईयर में था एंड मेरी सिस्टर प्रेरणा और हर्ष जीजू की नई नई शादी हुई थी। अब हमारा ट्रिप जो था वो था 10 दिन का, एंड ये बात है जब हम 7th डे पे गोल्ड कोस्ट में थे। गोल्ड निश्चय भैया का कभी ऐसा भी हेयर स्टाइल था? व्हाट भाई, मेरे को याद ही नहीं है। ओके शंकु पुष्पी पीने का टाइम है भिक्षु। वो था 10 दिन का, एंड ये बात है जब हम 7th डे पे गोल्ड कोस्ट में थे। गोल्ड कोस्ट में ना ग्लोवर्म केव्स हैं, फायर फ्लाई केव्स बेसिकली। okay. जुगनू, एंड वहाँ पे रात में इतने सारे जुगनू होते हैं साथ में। अच्छा वहाँ पे है? लिटरली ऐसे नॉट रिलेटेबल नित्य भैया, मैंने बस मूवीज में देखा है। आई वुड लव टू गो वन डे, बट हाँ यार कितना मजा आता होगा। एक वो भी है ना, कहाँ पे वो, शायद मालदीव में होता है, वो समुद्र के किनारे पे ना ऐसे ग्लो पता नहीं ब्लू कुछ, शायद समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इमेज देख लेना, वो ऐसे लगता है ओशन से ना कुछ तो बिड्स बाहर आ गया, पता नहीं क्या होता है, वो एल्गी होता है शायद से, पता नहीं यार क्या होता है यार, रुको यार वो। अरे भाई ये क्या आ रहा है सेकंड नंबर पे? ओके अब दिस इज दैट थिंग, कितना क्रेजी भाई, ये रियल लगता ही नहीं है भाई। मेरे को यहां पे जाना है, मेरे को वहां पे भी जाना है और यहां पे भी जाना है, मेरे को हर जगह जाना है, मेरे को सब जगह भेज दो प्लीज। लगता है कि लैंप्स लगी हुई हैं, तो हमारा प्लान बना उन केव्स को एक्सप्लोर करने जाने का। लेकिन ऑब्वियसली अब जुगनू तो रात को ही चमकते हैं, नहीं मैं नहीं मानता, तो उन केव्स को भी एक्सप्लोर करने के लिए रात को ही जाना पड़ता है। लेकिन हम तो सुबह ही पहुंच गए थे, क्योंकि यार हम विले लोग और वहां पे क्या करेंगे। तो अब दिन के वक्त ही हम वहां पे पहुंच गए, एंड वहां पे आसपास जो भी जगहें थी कैफेस थे, वहीं पे बैठ के अपना हम टाइम पास कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि रात हो ताकि हम उस फायरफ्लाई शो को देख सकें। तो 2000 ईयर्स लेटर मेरे को अभी एक रियलाइजेशन हिट हुई, तुमने लास्ट टाइम रियल लाइफ में जुगनू कब देखा था? दिस इज वियर्ड। आई स्टिल रिमेम्बर बचपन में ना ऐसे हम गली के बाहर होते थे और जब रात का मौसम होता था ना भाई, हम हाथों से पकड़ लेते थे जुगनुओं को। 20 साल का कुछ नहीं, मतलब यार बहुत टाइम हो गया यार मेरे को जुगनू देखे हुए। डैम That's surprising. शाम का वक्त हुआ, अभी वेट करते करते ना मेरी अंतड़ियां सूखने लग गई थी, मतलब इतना बेसब्र हो रहा था मैं कि मैंने बोला भाई लाओ DSLR पकड़ाओ, और मैं कैमरा लेके जंगल की तरफ चला गया कि भाई मैं भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करूंगा, मेरे को भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है 3 Idiots के फरहान की तरह। अब्बा नहीं मानेंगे, मैं बोलने वाला था पक्के ये बोलेंगे। अब प्रॉब्लम बस ये थी कि वो रेन फॉरेस्ट सेंचुरी था एक जंगल, लाइक
घना जंगल वो फिल्मों में दिखाते हैं ना उस टाइप का। मैंने सोचा था अकेले ने व्हाट दैट्स नॉट अ गुड आइडिया लाइक घना जंगल वो फिल्मों में दिखाते हैं ना उस टाइप का। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करके 10-15 मिनट ज्यादा से ज्यादा उसके बाद वापस आ जाऊंगा एंड फिर उसके बाद फायर फ्लैश शो देखने चले जाएंगे। लेकिन हर बॉलीवुड हॉलीवुड या कोई भी ऑलीवुड मूवी की तरह इस स्टोरी का भी हीरो एकदम बेवकूफ था। सो बेसिकली मैं उस जंगल में खो गया। धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ रहा था। मैं उस जंगल के जिस भी कोने में था ना वो बहुत स्केरी था। एट दिस पॉइंट मेरा फोटोज खींचने का एंड एक्सप्लोर करने का जो भूत था वो भी उतर गया। एग्जैक्टली यू सी द पन। भूत की तो अभी एंट्री भी नहीं हुई तो भूत उतर कैसे गया। आई एम सपोज टू मेक दिस स्केरी। ऐसे फालतू के जोक मारता रहूंगा तो अभी सी हेलो नाइस टू मीट यू माहौल के साथ। वहां पे एकदम डेड साइलेंस थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर अब भी कहीं से भी आके मेरे पे अटैक कर देगा। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। बाहर का रास्ता ढूंढते ढूंढते मुझे एक पर्पल कलर का पेड़ दिखा तो मैं उस पेड़ के पास गया और उसके पिक्चर्स क्लिक करने लग गया क्योंकि यार कभी लाइफ में पर्पल कलर का पेड़ देखा ही नहीं था। लेकिन मैंने क्लिक करने के बाद जब वो पिक्चर्स देखी तो पेड़ के पीछे एक अजीब सी शैडो थी उसमें। हाँ तुम ड्रम ड्रम सब फोड़ लो कान में मेरे ब्रो। अगर एक फॉरेस्ट में तुम्हें कुछ एकदम ही अलग चीज दिखती है आई वुड सजेस्ट प्लीज भाग जाओ वहां से। उसकी तरफ अट्रैक्ट मत हो ठीक है। बहुत ही हिम्मत करके मैंने जब पेड़ के पीछे एक्चुअली में देखा तो वहां पे सच में एक औरत खड़ी हुई थी। एकदम डल सी क्रीपी सी एंड द वर्स्ट पार्ट वो मेरी ही तरफ देख रही थी। शी लाइक्स यू। थोड़ी देर के बाद वो पीछे की साइड जाने लगी। अरे मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था लेकिन मुझे लगा यार शायद वो भी बाहर जा रही होगी तो अगर इसके पीछे पीछे मैं जाऊंगा तो मैं भी बाहर पहुंच जाऊंगा। नॉट अ गुड आइडिया अगेन। मैं उनके पीछे पीछे चलने लग गया। एक दो बार आवाज लगाई। यू सी दैट यू सी हाउ ही पेज रिस्पेक्ट टू द घोस्ट टू डैम नाइस। क्या मतलब दोनों की फटती है भूत से तो देनी पड़ेगी रिस्पेक्ट। मैंने पर वो आगे आगे चली जा रही थी। थोड़ी देर तो मैं उनके पीछे चलता रहा उसके बाद मैं थक गया एंड मैं एक जगह पे रुक गया। मेरे रुकते ही वो औरत भी रुक गई एंड धीरे से वो मेरी तरफ पलटी। ब्रो वाईफाई कनेक्शन। 2 मिनट तक वहीं खड़ी मुझे घूरे जा रही थी। 2 मिनट तक हम वहां पे खड़े क्यों थे? वापस भागो प्लीज। क्या एट दिस पॉइंट मेरी फटने लगी थी ऑब्वियसली एंड द वर्स्ट पार्ट अब वो मेरी तरफ चलनी शुरू हो गई। ओह शी रियली लाइक्स यू। चलते हुए आ रही थी मुझे उसका फेस क्लियरली दिखने लगा। वो बहुत ही ज्यादा डरावना था एंड उसकी आंखें एक काम करता हूँ मैं सो जाता हूँ जाके बेस्ट आइडिया। यस गाइस इट्स टाइम टू स्लीप गुड नींद। अबे यार ये तो मत करो। सॉरी सॉरी सॉरी। जैसे जैसे वो मेरे पास आ रही थी मेरी और ज्यादा फटती जा रही थी एंड मुझे चक्कर आने लगे एंड मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो अभिषेक और प्रेरणा मेरे सामने ही थे। आई वॉज सो हैप्पी कि थैंक गॉड इन्होंने मेरे को ढूंढ लिया। मेरा सर फट रहा था दर्द से लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं इनको बताऊं कैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसके बाद हम कैफ़े वापस चले गए जहाँ पे बाकी घर वाले हमारा वेट कर रहे थे। फिर कैफ़े वापस पहुँच के बहुत हिम्मत जुटा के मैंने सबको उस औरत के बारे में बताया एंड प्रूफ के लिए मैंने सबको वो वाली फ़ोटो भी दिखाई जो पेड़ के पीछे मेरे को उसकी शैडो दिखी थी। एग्जैक्टली दिस वाज यू नो व्हाट आई नो दिस वाज फोटो में कुछ था ही नहीं। कोई शैडो नहीं थी तो ऑब्वियसली किसी ने मेरा विश्वास किया ही नहीं। सबको लगा कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ उनके साथ। लेकिन जब इसके बाद हम फायर फ्लाई शो देखने जा रहे थे तो हमारे गाइड ने हमें बोला कि सब ग्रुप में चलना और कोई भी अकेले मत जाना क्योंकि वहाँ पे कई जानवर हैं एंड पैरानॉर्मल चीज़ें भी विटनेस की गई हैं। ये सुनने पे मेरी और ज़्यादा फट गई। मुझे उस टाइम तो वो चमकते जुगनू भी उनसे भी डर लगने लग गया था। Bro, मुझे obviously. आज तक ये नहीं समझ आया कि उस औरत को मैंने देखा था या नहीं देखा था। वो जंगल में मैं खो गया था इसलिए मैं पैनिक कर रहा था इसलिए मैं चीजें ऐसा सोच रहा था मेरे दिमाग में चल रही थी या वो सच में हुई थी। But that was one of a kind story. And thank you so much for the jump scare नीचे भैया। So yeah, story खत्म and video भी खत्म। मजा आ गया भाई। मेरे सर में पता नहीं क्यों उधर दूना चालू हो गया बट एंड यार दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या इंट्रो आउट्रो चेंज कर दिया मैंने। टिल देन पीस आउट। Ha ha. Yeah.
अब बीट पे गदर मचेगा, खटेगा ये पिज्जा सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा आई स्वेयर, चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।